हम आए हैं अपने जूनियर से इंट्रोडक्शन करवाने अपना, और देखते हैं कहीं कुछ हो पाए तो हो ही जाएगा, ठीक ही रहेगा। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल, माय नेम इज अनु। और अभी आप लोग सोच रहे होंगे कि यार ये क्या हो रहा है, तो मैं आपको बता दूं कि अभी यहाँ पे हो रही है वैक्सिंग, क्योंकि कल हमारे कॉलेज में फ्रेशर है, और फ्रेशर के लिए तो सब बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली फ्रेशर होता है तो सब कुछ नया नया होता है, तो सब लोग बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं। यहाँ पे भी सब लोग वैक्स कर रहे हैं, इसके साथ साथ बालों की भी धुलाई हो रही है, मतलब बालों को ड्राई किया जा रहा है, क्योंकि अभी को इसने अपने हेयर वॉश लिया है, और अभी रात के 10:30 बज चुके हैं, और इसको इतना ज़्यादा एक्साइटमेंट था, इतनी ज्यादा एक्साइटेड हो गई थी कि रात को नहाने चली गई। अरे तो शैम्पू ही तो मेन है, मॉर्निंग में जाना है ना। ओहो, इतना ज्यादा तो कभी मैंने पढ़ाई के लिए भी नहीं देखा किसी को। सब बहुत ज्यादा हैप्पी है, क्योंकि कल सबका फ्रेशर है और एक साथ सबका फ्रेशर हो रहा है, तो सब बहुत ज्यादा हैप्पी है। सबसे बेकार लगता तो मैं ही लगूं। नहीं है, सबसे सुंदर है ये लड़की, ये शक्ल देखने के लिए मना की, ये लड़की सबसे सुंदर है। तुमको क्या हुआ? अरे हाँ, इसका हाथ बहुत, ला दिखा। वैक्स करने के बाद इसके हाथ में कुछ बबल्स से बन गए। सबका ऐसा कहना था कि जो लोग पहाड़ पे रहते हैं, मतलब पहाड़ी इलाकों में रहते हैं, उनका जो स्किन होता है बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होता है, तो इसकी वजह से उनको ऐसे हो रहा है, तो इसलिए ये भी वहीं की है, तो इसलिए इसको ऐसा हुआ है। हमारी दीपांशी मैम पहली बार रेडी हुई, कैसा लग रहा है ऐसे रेडी होके? ऐसा लग रहा है भाई अपनी शादी में आए। अपनी शादी में आए। और ये कितनी बार अपना सब कभी कुछ लगा के पोछ रही, कभी कुछ लगा के पोछ रही, कंफर्टेबल नहीं हो बिल्कुल भी? हाँ भाई, पहली बार हुआ है ऐसा। तो जरा खड़े होकर दिखाओ। वो गरम हो गया होगा। और ये मैम अपना बूट्स वगैरह अभी से एकदम ये सोच रही है कि कब निकलूं मैं, और इसके बाल जो है मैंने रात को ऐसे कर्ल करने के लिए लगा दिए थे दुपट्टे का यूज करके, लेकिन थोड़ा सा साइड से बाकी रहे क्योंकि ये सोते टाइम थोड़ा सा खराब कर दिए, तो इसको अभी कर्ल करने, अभी मशीन से कर्ल करना पड़ेगा। मेरे लोग रेडी हो गए थे। हाँ, तो अभी मैं इसके बालों को कर्ल कर रही हूँ, क्योंकि थोड़ा सा बाकी रह गया है जो कि रात को हो नहीं पाया, तो अभी अच्छे से कर्ल हो जाए, होप अच्छे से हो जाए। तो अभी खालदा का बाल स्ट्रेट हो रहा है, और सिंधु का बाल हो चुका है कर्ल, और खालदा का बाल स्ट्रेट हो रहा है, क्योंकि इसका कहना है कि थोड़ा और लुक आना चाहिए, प्रॉपर लुक होना चाहिए। लड़की पूरे तरीके से रेडी हो चुकी है और बहुत सुंदर लग रही है। कैसी लग रही है रोशनी, ये कैसी लग रही है? बहुत प्यारी। और सब लोग तो नहा चुके हैं, रेडी हो चुके हैं, रोशनी मैम अभी नहाने जा रही है। सारी गर्ल्स हैं मेरे हॉस्टल की जो कि रेडी हो गए हैं। हेलो हेलो, कैसा लग रहा है आज तुम लोगों का फ्रेशर है? बहुत बढ़िया। तुमको क्यों शर्मा रही हो? इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ। तुमको कैसा लग रहा है आज? तुम बहुत अच्छी लग रही हो। बता नहीं सकते, ये नहीं जा रही है। कौन नहीं जा रहा? हेलो सिंधु, हाय। हाय यार, सिंधु कैसी? सिंधु बहुत प्यारी लग रही है। हाँ, हेलो, हाय सिमरन, वो कहाँ है तुम्हारी फ्रेंड? नहीं, जूही, और वो क्या नाम है, एक और नाम है। अरे तुमको ही ढूंढ रही थी। हेलो 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 हाय, हेलो सबको हाय। सब लोग बहुत अच्छा लग रहा है, सब्सक्राइब अच्छे से करना। और तुम लोग का ब्लैक थीम है क्या आज? बी फार्मा का थीम है। बी फार्म, फार्मा नहीं होता, बी फार्म होता है। ओके, अदिति को आज कॉम्प्लीमेंट मिला है कि ये मॉडलिंग में जाए, तो आप लोग कमेंट करके बताओ कि ये मॉडलिंग के लिए बनी है या नहीं। हमारे बैच के कुछ बच्चे हैं जो कि आज फ्रेशर पार्टी एंजॉय करने आए हैं, और फ्रेशर में क्या करने आए हैं, चलो इनसे ही पूछते हैं। बताओ क्या करने आए हो? हम प्रेशर में आए हैं प्रेशर देखने। और नहीं, अभी जो आपने बोला वो बताइए। हम आए हैं अपने जूनियर से इंट्रोडक्शन करवाने अपना, और देखते हैं कहीं कुछ हो पाए तो हो ही जाएगा, ठीक ही रहेगा। मैं तो अपने चक्कर में आया हूँ, बाकी देखो शाम से वेट कर रहे हैं। अंकुर, तुमको क्या लगता है इसका हो जाएगा कुछ? भाई तुझे सब जूनियर जानते तो है, मुझे जानते तक भी नहीं है, फोर्थ ईयर में आ लिया अभी। एक बच्चा अभी मुझसे पूछ रहा था कि भाई तुम फर्स्ट ईयर में एडमिशन लिया करी? हाँ भाई। और आप किस लिए आए? सेम व्यूज की तरह। ये तुम लोग क्या लगा कि घूम रहे, शादी वादी में आए हो क्या? वेरी गुड। क्या ये लगा लो ना सर पे टोपी।
वही सिवा से पहले मेरा नाम लो। इंजीनियर्स मरते नहीं है, दफनाए जाते हैं। इंजीनियर्स मरते नहीं है, दफनाए जाते हैं। हर छह महीने में तड़पाए जाते हैं। ओहो, हमें हर महीने तड़पाया जाता है यार। इंजीनियर्स मरते नहीं है, दफनाए जाते हैं। हर छह महीने में तड़पाए जाते हैं। जब खोदोगे तुम उनकी कब्र को यार दोस्तों, तो कब्र में भी असाइनमेंट और पेपर ही पाए जाते हैं। खुशी राजपूत और बीटेक फर्स्ट ईयर बिल्कुल हर पुजिया सुरेंद्र गैस उन शुरुआती दौर की एक पोयम है, उसके बाद मैं अभी रिसेंट की एक पोयम भी सुनाऊंगा जो मैंने लिखी है। उसके टाइटल है मैं लिखता उन अल्फाजों को सीने के गहरे राजों को, जो अंतर मन में दबी पड़ी कुछ ऐसी ही आवाजों को। मैं लिखता उन अल्फाजों को जो दर्द जुबान ना बयां करे, जो जख्म अभी तक रहे हरे, जो गीत कभी ना गा पाया, जो बातें दिल में दर्द भरे। मैं लिखता उन अल्फाजों को, जो गीत लिखे सब उन पर थे, सब उनके ही तो किस्से थे। हम अपने पर लिखते भी क्या, हम उनके ही एक हिस्से थे। पर आज कलम ना रोकूंगा, कुछ अपने दर्द भी लिखूंगा। सौ में प्यार के लिखे हैं, एक गीत हार का लिखूंगा। मैं लिखता उन अल्फाजों को। फिर मेरी सोच बदली थोड़ा सा, फिर मैंने लिखना शुरू किया। तो विषय में अभी जो लिखी मैं वो सुना रहा हूँ कि मैं किसे लिखूं और क्या लिखूं, तुझे भूल कर क्या नया लिखूं। मेरे हाल की सब वजह है तू, मैं चाहता हूँ तुझे बुरा लिखूं। तुझे दर्द हो तुझे गम मिले, तुझे हर दफा कुछ कम मिले, तेरे जहन में हर दम सवाल हो, कुछ इस तरह तेरा हाल हो, तेरा दिल भी कोई तोड़ दे, चाहे तू तुझे छोड़ दे, तेरी ख्वाहिशें नीलाम हो, तेरा बदनाम हो। जैसे बातों में उसकी ग्लूकोज की मिठास थी, सांसों में ईस्टर की खुशबू भी साथ थी, आंखों से झलकता था कुछ इस तरह का प्यार, बिन पिए हो जाता था अल्कोहल का खुमार, बेंजीन सा होता था उसके प्रेजेंस का एहसास, अंधेरे में होता था सोडियम का आवाज, नजरें मिली रिएक्शन हुआ, कुछ इस तरह लव का प्रोडक्शन हुआ। लगने लगे उसके घर के चक्कर ऐसे, न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन हो जैसे। उस दिन हमारे टेस्ट का कंफर्मेशन हुआ, जब उसकी डैडी से हमारा इंट्रोडक्शन हुआ। सुनकर हमारी बात वो ऐसे उछल पड़े, इग्निशन ट्यूब में जैसे सोडियम भड़क पड़े। वो बोले, होश में आओ, पहचानो अपनी औकात, आयरन नहीं मिल सकता कभी गोल्ड के साथ। यह सुनकर टूटा हमारे अरमानों का बीकर, और हम चुप रहे बेंजल डिहाइड का कड़वा सा घुट पीकर।
उसके याद के सिवा हमारा काम चलता ना था और लैब में हमारे दिल के अलावा बर्नर चलता ना था। जिंदगी हो गई अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन की तरह और हमारे भी फिरते हैं आवारा हाइड्रोजन की तरह। It has Valley of Flowers and it has Nanda Devi Temple. That's why. You belong to that place. No, ma'am. I am leaving only. I belong to Meerut. Tell me, do you share everything with your parents? No, ma'am. Nice. Okay. Hello, Suraj. Hello, sir. So, name a person who you most admire and why? Sir, I admire my mother most because I was just 7 when I lost my father. Till then, she is taking care of myself and my brother. And she is doing all her duties with her work. So I admire the most and I want to be like her. Hello, here I am Shuridi from Patna. Here I am pursuing B.Tech in C.S. Nagpur Red College. And my hobbies is painting, sketching and listening music. You are from which place? Patna, from Bihar. Do you feel yourself confident walking on the ramp? Yeah, obviously. How? I'm comfortable with my outfit and the ramp. You are comfortable or confident? Comfortable and also confident. Okay. Hello everyone, myself and Rag Sinha from Patna, Bihar. And I am pursuing B.Tech CSE from Accurate College. What is biggest fear of your life? Sir, I am feared of water. Because I don't like swimming at all. Whenever I go in water, I feel like I'm going to draw in water. Hello, ma'am. How are you? Fine, ma'am. Kaisa lag raha hai? Ma'am, bahut acha lag raha hai. To question puch le? Yes, ma'am. Batao. Explain something that you would like to change in your past life. Ma'am, agar mujhe mauka mile, to main sabse pehle corona time ko change karna chahungi jo past mein chala gaya. Because it's very bad time. Very good, very good, ma'am. Is happiness is a mindset? Yeah. How? Whenever it's just about our thought that how we can see anything. If we see the positivity, then positivity will be there, and if we will see negativity, then there will be negativity. Good. हम लोग आ चुके हैं boys hostel जहाँ पे मिलेगा हम लोग को कुछ खाने के लिए snacks. चलो चलो मैं तो बस ऐसी ले रही हूँ
अभी हम लोगों ने नाश्ता कर लिया है और बहुत ही ज्यादा टेस्टी था, तो अब हम लोग जा रहे हैं परफॉर्मेंस देखने, बच्चे लोग क्या करते हैं। बहुत ही टैलेंट चाहिए ऐसे करने के लिए, मेरे अंदर तो बिल्कुल भी नहीं कि मैं स्टेज पर खड़ा होकर करूँ, लेकिन फिर भी बहुत सारे कॉन्फिडेंस था आगे, तो चलो देखते हैं। पूछो क्या वो कभी हंसता है? प्यार तो बहुत हुआ है, लेकिन हमको ना निरमा पाउडर और निरमा जो ऐड करती है उनसे प्यार करना है। एक बार पूछो क्यों? क्योंकि वो पहले बोलती है इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो। मुझे संग बैर लगाया ऐसा, तुझे संग बैर लगाया रहा ना मैं फिर अपने। एक पल बिच सौ बार करा फैमिली से आया बनने सुपरस्टार, घर है मेरा छोटा फिर भी सपना देखा था बड़ा, पता नहीं था रास्ता मैं फिर भी उस पे चल पड़ा, रुकावटें मिली मैं मिलके उसे हंस पड़ा, लगन थी मेरे अंदर मैं खुद ही खुद से लड़ पड़ा। भैया दो चाय दे रहा हूँ। मुझे चेंज करना है तो मैं अभी पहन ली हूँ वुलन जैकेट, जिससे मेरी ठंडी रुक जाएगी। और मुझे मतलब मुझे बहुत ज्यादा ठंड लगी, इवन सबको ही लग रही होगी, लेकिन क्योंकि बहुत ज्यादा क्राउड है, कोई लोग डांस कर रहे हैं तो उनको पता नहीं चल रहा है, लेकिन मैं डांस नहीं की इसलिए मुझे बहुत ज्यादा ठंडी लग रही है। तो अब मैं जा रही हूँ दोबारा से नीचे, ज्ञान मेरा वेट कर रहा है, और जल्दी चलो क्योंकि बहुत लेट हो रहा है। और ये लड़की है, इसकी लड़ाई हो गई, कह रही है कि मैं क्यों नहीं जा रही हो, क्यों नहीं जा रही हो, चलो मन नहीं है मैम। नहीं नहीं नहीं, इसने बोला कि मेरे ईगो पे बात आ गई और मैं जो बोल देती हूँ वो मैं करती हूँ, तो मैंने बोल दिया कि नहीं जाऊंगी तो मैं नहीं जाऊंगी, लेकिन अंदर से इसका बहुत मन कर रहा है। जल्दी से आओ, बस आ रहे हैं, जल्दी जल्दी रहो, मैं चल रही हूँ। ठीक है, ये लड़कियाँ जो है अभी छोटी छोटी ड्रेस पहनी थी, अब रात हो गया तो ये लोग चेंज कर लिए हैं, और अभी ये लोग फिर से जा रहे हैं डीजे नाइट में। डीजे नाइट के लिए तो बहुत एक्साइटेड हो गए ना सब लोग, बहुत ज्यादा। और ये कौन सा ईयर है? और हॉस्टल की सबसे टॉप गर्ल है इधर। हेलो, हाय दीदी। हेलो, बहुत प्यारी लग रही है आप, तब से वो व्हाइट कलर का स्टोल लेके घूम रही थी, ठंडी लग रही थी ना। सही है, तो अभी हम लोग जा रहे हैं दोबारा से पार्टी में, और ज्ञान अभी फोटोशूट करवाना चाहता है। भाई एकदम शाम हो गई, लेकिन देखो ना लाइटनिंग, ऐसा लग रहा है कि दिन है ना। चलो तो ज्ञान का फोटो शूट करना है क्योंकि ज्ञान की शादी होने वाली है, तो ज्ञान को शादी के लिए भेजना है। ज्ञान को अगर कुछ भी बोल दो शादी के, ये सब मत डालना, ये सब बिल्कुल मत डालना भाई। ये हॉस्टल की मॉडल गर्ल आ चुकी है, और ये है सिंधु मैम। हेलो मैम, अरे तेरा बाल बहुत अच्छा लग रहा है अभी, और कितना अच्छा लग रहा है कॉलेज। क्या हुआ ऐसे कर बोले, मेरा प्रोफाइल दिख जाएगा यार। ऑलराइट, सो श्रुति का मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ कि इनको किसने बोला कि मैंने तारा सुतारिया और सिद्धार्थ मल्होत्रा को होस्ट किया है। पार्टी अभी शुरू हुई है, आप लोगों को आज एकदम क्रेजी होना है, बिजर्क होना है। देख बाबा, शाम के 7 बज चुके हैं और अभी टाइम है डीजे नाइट का, और एक स्पेशल गेस्ट को इनवाइट किया गया है जो है शाहिद माल्या जी, जो कि बहुत ही अच्छे सिंगर हैं और हम सबको बहुत ही अच्छे अच्छे गाने सुनाने वाले हैं। तो एंजॉय करो और वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। ये गाना हमारी संस्कृति पंजाब का है, शिव कुमार बटालवी साहब का लिखा हुआ गाना है। प्यार एक ऐसी चीज है कि वो गुम भी हो जाए तो वो गुम नहीं होता,
उसकी यादें हैं। खैर आप तो फ्रेशर, आपको प्यार से क्या लेना देना, मैं किसका लेना देना है। मौसम के आजाद परिंदे सर्दी की वो धूप की जैसी गर्मी की शाम है, पहली बहारों सी है। मेरे प्यार का मौसम भी है, लगे मेरी बहारों भी है। प्यारी सी बातें भाई, ज्ञान का ये लुक है जो कि बहुत टाइम के बाद ज्ञान ने ये पहना है। मतलब मैं इसको पहली बार ऐसे देख रही हूँ और अच्छा लग रहा है काफ़ी ज़्यादा। बस अपने घर वालों से बात कर रहे हैं, मम्मी पापा दीदी भैया जिससे भी। और बाहर बहुत ज़्यादा शोर है और लाइट भी नहीं है, तो इसलिए हम लोग यहाँ पे आ गए अपने कॉलेज के अंदर जहाँ पे हम फोटोशूट कर रहे हैं। थोड़ा सा रील्स बनाना है, थोड़ा सा वीडियो, तो इसलिए। और अभी ज्ञान हंस हंस की बात कर रहा है, तो चलो भाई मैं भी रील्स बनाने जा रही हूँ। कर लिया और यहाँ पे हो रहा है फोटोशूट, तो देखो यहाँ पे हो रहा है फोटोशूट और यहाँ पे सब मॉडल्स हैं और ये भैया फोटो क्लिक कर रहे हैं। हाय, हेलो करो, हेलो, लाइक फॉलो एंड सब्सक्राइब। कैमरामैन विपिन के साथ फोटोशूट। तो अभी हम लोग जा रहे हैं फोटोशूट करने, मतलब हम तीनों गर्ल्स और बाकी सारे ये लोग का हो गया और सारे कपल्स लोगों का भी फोटो हो गया मेरे अलावा। तो चलो हम तीनों का। तेरा कपल कौन है? मेरा कपल नहीं है। अरे फोटो तो ले, अरे भैया फोटो ले लो, ज्यादा फूल रहा हूँ एकदम दिख रहा है भाई का बाहर से। तो कहाँ, अरे मेरे मेरा फोन नहीं है ये, स्टार्ट है। हाँ वीडियो तो स्टार्ट, अरे ये तो मैं व्लॉग कर रही थी ऐसे ही कि भाई ये कश्मीर में बैठी हैं अभी, इनको बहुत ज्यादा ठंड लग रही है वैसे, क्योंकि ये लोग एकदम क्या बोलते हैं एकदम नहीं फैशन में चूर चूर हो के, ये देखो ये देखो ये देखो ये देखो इसके पैर। चाब ये लगा खींचना है। तो ये है आज की मिस फ्रेशर। हाय एवरीवन, हेलो, कैसा लग रहा है आज मिस फ्रेशर बनके? बहुत अच्छा लग रहा होगा, एक्साइटेड, बहुत ही मस्त। तुम्हारी फोटो एक लोगों ने देखा तो बोला कि ये खुशी है, ये तो बिल्कुल अलग लग रही है, पता ही नहीं चल रहा है खुशी ये बिकॉज मैंने फर्स्ट टाइम जो है, मतलब फर्स्ट टाइम मेकअप एंड हील्स मैंने फर्स्ट टाइम पहना था। अच्छा हील्स अच्छा अभी अच्छा, नहीं था तुम लोगों ने दो दिन में इतना अच्छा मिस फ्रेशर तो तुम बनी हो, पर सबने बहुत अच्छा किया, सबने उसने बहुत अच्छा किया था सबने। मेरा ग्रुप है इतना बेस्ट। तो गाइस अभी मैं आ चुकी हूँ अपने हॉस्टल और बहुत ज्यादा एंजॉय किया, बहुत ज्यादा ठंडी भी थी, बहुत बाहर ठंड थी। तुमको कैसे लगा? बहुत अच्छा लगा बहुत। और ये मेरे ब्लॉग में अभी तक नहीं आई थी, तो मैंने सोचा कि लास्ट में मैं इसको लूंगी ही लूंगी। और आप बताओ कितनी प्यारी लग रही है, आप कमेंट करके बताओ अच्छी लग रही है या नहीं, मुझे तो बहुत अच्छी लग रही है। सिंधु तो एकदम थक चुकी है और एकदम ऐसा लग रहा है कि सोने की अवस्था में है, और सोने की अवस्था में है और व्यवस्था भी कर ली है। गुड नाइट, हटो अभी रुको, पहले सिंधु आज कहर ढा रही थी और आज बहुत सारे लोगों ने इसकी बहुत सारी तारीफ करी। तो सिंधु कैसा लगा तुमको आज का लुक, अपना खुद का लुक?
बहुत अच्छा लगा। हेयर कर्ल्स कैसे थे? अभी तक अभी भी है, ये बहुत ही प्यारी है और इसको ठंड नहीं लग रही। देखो मतलब ऐसे ही नहीं चल रही थी इसने जैकेट भी पहना था, ऐसी बात नहीं है। और बस आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। बाय, गुड नाइट। गुड नाइट। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।